नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। ये गुहार है इश्क की खातिर पाकिस्तान की सरहद लांघकर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर की, जो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उन्हें मालूम है इतना कुछ होने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, ऐसे में अगर सीमा की वतन वापसी हुई तो सीमा के साथ किस हद तक जुल्म होगा इसका उसे पूरा इल्म है। तभी तो गुहार लगाई है कि उन्हें पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। यूपी एटीएस की दो दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर मीडिया के सामने आई और कहा कि उन्होंने ईमानदारी से एटीएस के हर सवालों का सही सही जवाब दिया और हिंदुस्तान की अदालतों पर अपना भरोसा भी जताया कि यहाँ का कानून उनके साथ बुरा नहीं होने देगा। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब आप जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी, अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है, अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। पूछताछ के दौरान होटल में नाम बदल कर रहने और फर्जी आधार को लेकर उठे सवालों को लेकर भी सीमा हैदर ने कहा कि होटल वालों ने नाम नहीं पूछा था इसीलिए नहीं बताया। साथ ही फर्जी आधार कार्ड से भी सीमा हैदर ने इनकार किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे, वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था, पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती तो होटल वाले बहुत। नहीं बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। सीमा हैदर का कहना है कि वो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं और हर हिंदू रीति रिवाज अपनाती हैं। पिछले 2 सालों से सचिन को पति मानकर करवा चौथ भी रखती हैं और अब हिंदुस्तान को ही अपना घर मानती हैं। यही की बहू बेटी हूँ मैं, यहाँ की बहू हूँ मैं, यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है, तो मैं अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। बता दें कि यूपी एटीएस की पूछताछ में अब तक सीमा हैदर के खिलाफ किसी साजिश वाले एंगल से कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से भारत में आना अभी भी जांच का विषय जरूर है, जिसे लेकर एटीएस अपनी जांच पड़ताल में लगी है। फिलहाल 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर और सचिन अपने रबुपुरा के घर लौट आए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी मामले की तहकीकात में लगी हुई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।